अटोमिक न्यूक्लियस क्या है सबको पता है, अटोमिक नंबर मास नंबर सबको पता है, न्यूक्लियर साइज ये आता है पेपर में, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज में न्यूक्लियस के साइज की बात होती है, न्यूक्लियस के साइज के अंदर जितना बड़ा वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का उतना ही उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होंगे, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब अटोमिक मास नंबर ज़्यादा। तो इसके अंदर जितना वॉल्यूम है उतने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो जितना वॉल्यूम है उतना ही बड़ा ए है, तो यहाँ से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट आ गया, और वो कॉन्स्टेंट क्या है, आर नॉट। तो ये फॉर्मूला नोट करें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला है आर नॉट अटोमिक मास नंबर रेज टू पावर 1/3, और आर नॉट का फॉर्मूला अंडरलाइन करें, कॉन्स्टेंट है 1.1 × 10⁻¹⁵ मीटर। इसे नोट करें, कभी न्यूमेरिकल में काम आ सकता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे होता है, वो अटोमिक मास नंबर पे डिपेंड करता है।